राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग में प्रेसवार्ता की। अपने प्रेसवार्ता बयान में उन्होंने कहा कि परिसीमन से कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, पार्टियों से जुड़े लोगों को ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो यहाँ के राजनीतिक नेता है, यहाँ तक कि जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। शाह ने आगे कहा कि अगर नगर परिषद अनंतनाग यहाँ अवैध दुकानें और मकान बनवाए जा रहे हैं, कोई भी इन लोगों की उचित जांच नहीं कर रहा है। गुलजार साहब है, अब्बास साहब है, जुब्बी साहब है, जावेद साहब है, चाहते हैं कि डिमिलिटाइजेशन कमीशन जो जिन्होंने यहाँ पे पहले ही जम्मू वाले बोलते थे कि हमारे साथ सऊदी की माँ का सलूक हो रहा है, लेकिन उनको हम आपकी वसादत से उनको गुजारिश करते हैं कि एज पर पॉपुलेशन उसमें नजरसानी की जाए और कश्मीर के साथ सही तरीके से फैसला किया जाए। यहाँ पे अगर NIA या AG या दूसरे या ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन जिन्होंने यहाँ पे 70 साल से लोगों को जोगी की चमड़ी उधेड़ी है और उन्होंने असासे बनाए हैं करोड़ों में, खरबों में उनके पास असासे हैं, उस पर ED या NIA का क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? उसमें भी होनी चाहिए, जब रिलीजियस पार्टी पे हो या ब्यूरोक्रेटों पे हो तो पॉलिटिशियन पे भी जरूरी होना चाहिए। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग में अलॉटमेंट हुई है और परमिशन जो हुए हैं उसमें कुछ गड़बड़े हुई है, वो मैंने भी सुना है, तो मैं आपकी वसादत से यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो बहुत होनहार अफसर है उसको गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इसका भरपूर नोटिस ले।